पहलिया हरामजादे, अगर मर्द का बच्चा है तो माला निकाल के दिखा, तेरा गर्दन से तलवार से छा दूंगा। मेरी जान बची, चलता हूं तरवार की तरफ। हे भंडारिया, कहां गया चौहान? कहां रहते हो? पीछे वाले गेट पर। चलो ठीक है, मैं चलता हूं आगे, शेयर करूंगा। अब मेरे शादी जरूर होगी, क्योंकि महाराज जगदेव सिंह को कैद करके जिंदान में डाल दिया। राजकुमारी प्रभात हवेली के अंदर अकेली है। चलता हूं राजकुमारी प्रभात से शादी के विषय में कुछ खास बात करूंगा। ले आओ राजकुमारी प्रभा को। ठीक है, ला रहा हूं ला रहा हूं ला रहा हूं। ये देखो, ये रहे राजकुमारी प्रभा। छाला सिंह ले जाओ अपने कमरे में और सुहाग रात मनाओ, मैं यहां राजा बनकर बैठता हूं। चलिए बैठिए, आओ मेरे साथ। अब मैं भी चलता हूं अपने शयन कक्ष में, आराम करूंगा। सुनो, मैं तुमसे एक खास बात करना चाहता हूं। कहिए। तो प्रभा जी मेरी बात को, इधर आओ प्रभा जी मेरी बात को सुनिएगा गौर कर, तुम ध्यान दो इधर, शादी मुझसे करो, यह बात मान कर आया हूं बेनिदल। मेरी बात मान लो, मेरे साथ शादी करो। बेहया बेशर्म गलमाया क्या कहा, आशिक बना यहां, बदजुबानी की तुझे चखाऊंगी मैं जहां। आशिक बना यहां, आशिक बना यहां, बदजुबानी की मजा चखाओगी। ठहरो, अभी मैं तुमसे और कुछ पूछूंगा। हे भंडारिया, चल रहा
इधर आ इधर आ, चाबुक लेकर आ, चाबुक ले आ, चाबुक ले आ। प्रभाजन उधर क्यों देख रहे हो? कहां पर थे? और सुन मेरी बात, तुम शादी मुझसे नहीं करोगी? नहीं करूंगी, नहीं करोगी। गुड़मुही कहती है, मैं घुड़मुहा हूँ। तुम शादी मेरे साथ नहीं करोगे, तब तुम शादी अपने किसके साथ करोगे? साफ साफ बतलाओ। मैं अपनी शादी गंगा से करूंगी। कौन गंगा? कहाँ का गंगा? कैसा गंगा? मेरा प्यार गंगा, मेरा आशिक गंगा, मेरा दिलो जान गंगा। तुम्हारा प्यारा गंगा, तुम्हारा आशिक गंगा, तुम्हारा दिलो जान गंगा? जी हाँ। कौन गंगा? अच्छा समझ गया, जो गंगा इस समय मेरे जेल के अंदर है। अभी अभी मैं गंगा को जेल से बाहर निकलवाता हूँ और तेरे सामने उसे मारते मारते मार डालूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मेरा खून पी जाएगी? सियां, मैं तेरा सिंदूर खोदूंगा। ले आ गंगा। महामंत्री झाला सिंह, खुश रहो, खुश रहो। महाराज स्वरपाल की, स्वरपाल सिंह नहीं, सूरपाल सिंह। स्वरपाल मैं समझा, स्वरपाल। ये बताओ काम हो गया या नहीं? काम अभी नहीं हुआ। ये हरामजादे कह रही है कि मैं अपने साथी गंगा दीन के साथ कर। अरे गंगा दीन, चाहो भंडारी उस गंगा दीनों के बच्चे को लेकर आओ। ले आओ, ले आओ। यही है तेरा प्रेमी, यही है तेरा प्रेमी। प्रभा, शादी मेरे साथ करने के लिए हाँ कर लो, अभी हम तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। इनकार है तो पाल दे उस खंभे में। शादी नहीं करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो देख, अब तेरा प्रेमी गंगा दीन मेरे हाथ से मारा जाएगा। हमें नहीं कहेंगे, देख तेरे सामने अभी ये मरने जा रहा है। मेरी मोहब्बत के दुश्मन, राम राधे श्याम अलख निरंजन। लगता है तुम किसी परेशानी में हो। देखो बेटा, सर पर जो आए बला उसको हटा देता हूँ, लिखा तकदीर में क्या उसको सुना देता हूँ। घूमते घूमते मैं अचानक यहाँ पर आ पहुँचा, और कोई तकलीफ हो तो उसको हटा सकता हूँ। वाह जी, क्या कहा, सर पर आए बला उसको हटा सकते हो? इसका मतलब सब कुछ कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हैं महात्मा जी। आयुष्मान, आयुष्मान बाबा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना क्या चाहते हो बेटा, बोलो। इसका नाम है, इसका नाम है राजकुमारी प्रभा। प्रभा, और इसका नाम है गंगा दीन। ये राजकुमारी प्रभा इस गंगा दीनवा के लिए अपना सर कटा सकती है, और हमारे लिए पार की नाखून तक नहीं काटा सकती। प्रभा बने किसकी दुल्हन, ऋषराज जी बतलाए। और पड़े यहाँ का राजा मुनिराज जी,
आयुष्मान भव। देखिए मैं बतला देता लेकिन इस वक्त नहीं बता सकता बेटा, इस वक्त, क्योंकि इसके लिए मुझे जाप करना होगा, जाप करना होगा। और जाबाज जाप की सामग्री बताइए। ठीक है, जाप में जितनी भी हवन की सामग्री है सब मुझे चाहिए, और एकांत वाला कमरा चाहिए, 24 घंटे का समय चाहिए। ये एकांत वाला कमरा और 24 घंटे की समय समय, और वहां पर केवल लड़की रहेगी। 24 दूना 48 घंटे की समय दूंगा। ठीक है, ये लड़की उस कमरे में रहेगी, रहेगी जहां पर आप पर जाप करेंगे। हाँ हाँ, क्यों घबरा रहे हो? जाप करना चाहते हैं कि राजकुमारी को साफ करना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा मंत्र दूंगा बेटा कि ये तुम्हें चाहने लगेगी, इसे छोड़ देगी, चिंता मत करो। क्यों घबरा रहे हो? बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। सही कह रहा है, ये जानता है। भेलावा लागे समुद्र के फेना लागे। सामान नोट कर। कोनो बाबा राम रहीम हो जवन इकट्ठे रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं भैया इकट्ठे नहीं, जैसे भेलावा रहे, कुकुर मुत्ता रहे, समुद्र के फेना रहे, कुकुरे का उल रहे, उल है, अरे हाँ वह उल रहे, का कहती 50 किलो सोने का थार। सही कह रहा है, सामग्री सब रहे। सही कह रहा है, हो गया। ठीक है, देर मत कीजिए, देर मत कीजिए। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। महात्मा जी बोलो बेटा। चलिए आपको हम एक कांत वाला कमरा बताता हूँ। हम लोग जा रहे हैं, आप इसी कमरे में मंत्र जपिए। जी हाँ, जाप यही कीजिए। जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्यार में रची इनके जिंदगी के देने के बता। तेरी बात मैं समझ रहा हूं, देख बेटी यहां पर कोई नहीं है, बोल तू क्या चाहती है, किसे चाहती है? लक जैसा बाबा मेरी तुमको दया आई बेटी। तू रो रही है लेकिन रो मत, मैं बाबा नहीं हूं, मैं बाबा नहीं हूं। क्या
मैं सेनापति अंगद सिंह हूँ। क्या चाचा जी, आप तेरे प्रेमी को छुड़ाने आया हूँ। चाचा जी। हाँ बेटी, सदा खुश रहो बेटी। लेकिन जब वो आए तो उससे कह देना कि हमारी तुम्हारी शादी जो ब्यावान जंगल में शिव जी का मंदिर है वहीं पर होगी, और महल में नहीं। अब मैं तुमसे शादी करूंगी बेटी, मैं वहां मंदिर में पहले से पहुंचूंगा, और शादी होने से पहले मैं उसे कवर कर दूंगा। ठीक है बाबा। शादी तेरी होगी तो तेरे प्रेमी गंगा तीन के साथ होगी। ठीक है चाचा जी। आओ बेटी, आ रहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कहो बाबा जी, अब प्रभात का दिल और दिमाग किस तरफ को है? आप खुद ही पूछ लीजिए। प्रभा बता दो बेटी। बोलो प्रभा। राजकुमारी जी, शादी करोगी? क्यों नहीं, मैं तो आपके ऊपर दिलो जान से मरती हूँ। ठहरो ठहरो, यहाँ पर महात्मा जी है आप। ठीक है, हम चल रहे हैं। ठीक है प्रभा जी, तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो मेरी जिंदगी बन चुकी हो, जिंदगी बन चुकी हो। ए, लेकिन ये बताओ, पहले मेरी बात सुनिए, यहीं पर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए? नहीं नहीं नहीं, एक शर्त है। हाँ बेटी बता दो। देखिए, कौन सी शर्त है बाबा जी? मुझे शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र से शादी करने के लिए आपके प्यार में डाल दिया, और हमारा तुम्हारा बियाबान जंगल में जो हमारे किले के बाहर शिव जी का मंदिर है उसी मंदिर में शादी होगी। अरे राजकुमार जी, क्या बात करते हैं। हाँ, शादी करने के लिए हाँ कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। इस दुनिया के किसी कोने में शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। तुम किले के बाहर की बात कर रही हो जी? चलो शिव जी के मंदिर में, वहीं पर हमारी तुम्हारी शादी होगी। चलिए, बोले बोले नाथ की। अब हे पर तुझे बोलना, और वो मेरे गले में ऐसे करेगी। मैं उसके गले में करूंगा, बस समझो शादी हो गई। ये आप लोग बैठिए। ठीक है, बैठो भाई। अरे कोइला रे, आज मोरे विवाह गीत हो जाए। कोइलरी आज मोरे पहिला बियाहवा में उती दाई औती। कोइलरी आज मोरे पहिला बियाहवा में उती दाई औती। बसवा कटाऊ तू तो डोलिया बनाऊ तू, रामाय तो जई है, रामाय तो जई है, चारी के कान्हा तो डोल। अरे राम रे पुतऊ रे, रे। अरे कौनी सहित अब यह ठान बाटो, अब सुहागरात मनोबो रे दिया। सुहागरात मनाऊंगा कमरे से।